नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन विभूते, आई एम लीवर एक्सपर्ट फ्रॉम पुणे। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि गार्लिक या लहसुन हमारे किचन का बहुत ही कॉमन स्पाइसेस है। जो भी हम मसाला बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें गार्लिक का यूज हमेशा होता है। तो गार्लिक के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम गार्लिक के फायदे जो लिवर डिसीज के पेशेंट ले लिवर डिसीज में पाए जाते हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। गार्लिक के अंदर ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे बॉडी को बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, इम्यूनो रेगुलेटरी या इम्यूनो मॉड्यूलेशन की प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी के कारण गार्लिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फूड आइटम हो सकता है, क्योंकि गार्लिक के अंदर अर्जिनिन नाम का अमाइनो एसिड रहता है। और अर्जिनिन, जैसे आप जानते हैं, वो हमारे बॉडी का जो ब्लड फ्लो है, ब्लड का सप्लाई है, उसको वो रेगुलेट करता है। उसके साथ ही साथ गार्लिक के अंदर सेलेनियम नाम का भी एक मिनरल है, जिसके वजह से जो भी हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स के वजह से जो सेल में डैमेज होता है, जो फ्री ऑक्सीजन के वजह से जो हमारे बॉडी में डैमेज होता है, उसको वो प्रिवेंट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये गार्लिक अदा कर सकता है। और इस प्रॉपर्टी का नाम है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, ये भी एक गार्लिक की प्रॉपर्टी है। थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गार्लिक के अंदर एक एलेसिन नाम का एक सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल रहता है, जिसके वजह से गार्लिक को एक ऑर्डर होता है, एक स्मेल होता है, एक टेस्ट होता है। और ये सल्फर कंटेंड एलेसिन जो है, वो लीवर के एंजाइम को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, लीवर को रिपेयर करने के लिए एलेसिन नाम का जो सल्फर है, वो बहुत ही काम आता है। और उसके वजह से लीवर में जो भी डैमेज है, लीवर में जो एंजाइम्स है, उसको इंड्यूस करने का काम ये लीवर करता है। और उसके साथ ही साथ जो लीवर के अंदर का फैट है, उसको भी कम करने का काम ये गार्लिक कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जो भी होल गार्लिक रहता है, गार्लिक जो कवर के अंदर होता है, लहसुन कवर के अंदर होता है, उसमें सल्फर का जो कंटेंट है वो बहुत कम होता है। जो उसके अंदर जो एलेसिन नाम का जो सल्फर है, उसका कंटेंट कम होता है। सो जब भी हमें गार्लिक या लहसुन यूज करना है, तो उसको चॉप करके, उसको मिंस करके यूज करना है, ताकि जब भी हम गार्लिक को मिंस करते हैं, तो वो एलेसिनेज नाम का एक एंजाइम रिलीज होता है, और उससे एलिन को एलेसिन में कन्वर्ट करता है। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एलेसिन हमारे लीवर को रिपेयर करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए दोस्तों, ध्यान रहे, जब भी आप गार्लिक, रॉ गार्लिक स्पेसिफिकली आप खा रहे हो, तो उसको चॉप करके, मिंस करके खाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये एलेसिन रिलीज हो। और जब भी ये एलेसिन रिलीज होता है, वो लीवर रिपेयर के लिए बहुत काम आता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि गार्लिक के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है, और एंटीऑक्सीडेंट के साथ ही साथ जो कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म है, जो लीवर के अंदर होता है, जो भी कोलेस्ट्रॉल है लीवर के अंदर तैयार होता है, उसको भी रेगुलेट करने का काम ये गार्लिक और गार्लिक के जो कंटेंट है वो कर सकते हैं। और उससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, जैसे कि आपको, आपके ब्लड वेसल में जो क्लॉटिंग होता है, आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके ब्रेन में कुछ क्लॉट होते हैं, उसको भी प्रिवेंट करने के लिए ये गार्लिक इम्पॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा भी गार्लिक के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से एक जो मुझे अच्छी लगी वो है नाइट्रस ऑक्साइड सिंथेटेज रिलीज। वो रिलीज होने के, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होने से आपके ब्लड वेसल का जो टोन है, जो सेलुलर टोन है, वो भी रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल जो इंसुलिन रेगुलेशन है, शुगर रेगुलेशंस है, आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये बहुत काम आता है। तो दोस्तों, इतने सारे लहसुन के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि हम नहीं खाते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है। इसीलिए ये वीडियो का पर्पज है कि आपको ये पता करके देना कि नेचुरली आप टैबलेट खाने के बदले ये नेचुरल सोर्सेस आप खाना जरूरी है, जिससे कि आपके बॉडी में कम से कम केमिकल आएंगे, और जितना केमिकल्स कम जाएंगे उतना लीवर को डैमेज कम होगा। और ये नेचुरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे आप, आपके बॉडी का डैमेज, आपके लीवर का डैमेज प्रिवेंट
कर सकते हो। तो दोस्तों कितना गार्लिक हमें खाना चाहिए? तो दोस्तों एक जो लहसुन का पीस होता है, क्लो होता है, उसके अंदर लगभग 1.2 ग्राम के आसपास गार्लिक होता है। तो ये कि आप दो पीसेस आप दिन में खा सकते हो, उतनी आपके बॉडी को ज़रूरत होती है। और जब भी आप ज़्यादा खाते हो या उसे ज़्यादा आप कंज्यूम करते हो, तो शायद जो एलेसिन सल्फर कंटेंट है उससे अपोजिट इफेक्ट भी हो सकता है, वो लीवर को भी डैमेज कर सकता है। तो सही क्वांटिटी में आपको खाना चाहिए। ज़्यादा खाएंगे तो आपको हार्म जरूर होगा, आपको नुकसान हो सकता है। तो मिंस्ड या चॉप्ड गार्लिक आपको खाना है, एक से दो आप रेगुलर आपके डाइट में आप ऐड करते हो तो आपको उसका फायदा जरूर होगा। स्पेशली लीवर डिजीज के पेशेंट में आई रिकमेंड एटलीस्ट 1 or 2 पीसेस ऑफ लहसुन या गार्लिक एवरी डे विथ लंच और डिनर, वट एवर जो भी आपको सही टाइम पे आपको लगता है उसी टाइम पे खाना है। रॉ लहसुन या गार्लिक खाने से आपके ब्रीथ को थोड़ा सा स्मेल आ सकता है, लेकिन उसके फायदे बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी माउथ फ्रेशनर या ब्रश करके आप रिफ्रेश हो सकते हो। तो दोस्तों गार्लिक के ओवरऑल बहुत ही फायदे हैं। जिसको भी फैटी लीवर है, जिसका भी SGOT HGPT बड़ा है, जिसको भी NASH है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज है, या अर्ली सिरोसिस है और लेट या एडवांस स्टेज सिरोसिस है, सब लोगों में एक गार्लिक का फायदा जरूर होता है। जब आप एक सही क्वांटिटी में आप खाते हो तो उसका बेनिफिट ज़्यादा है और नुकसान बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ आपके डाइट में 1 or 2 पीसेस ऑफ गार्लिक आप जरूर ऐड करें। लीवर डिसीज और गार्लिक के बारे में और भी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं और मेरी टीम आप तक पहुँचने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।